नमस्कार, गाजीपुर की दिन भर की सबसे बड़ी 5 खबरों के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं जिले की पहली बड़ी खबर से। सुहाग की दीर्घायु की कामना को लेकर 4 नवंबर को महिलाएं करवा चौथ का व्रत रखेंगी। इस पर्व को लेकर महिलाओं में काफी उत्साह देखा गया। पर्व से एक दिन पूर्व मंगलवार को शहर के बाजारों में जहां पूजा सामग्रियों की खरीदारी होती रही, वहीं सराफा बाजार में भी चहल पहल रही। सजने संवरने और मेहंदी रचाने के लिए शहर के ब्यूटी पार्लरों में सुबह से लेकर देर शाम तक महिलाओं के लिए आने जाने का क्रम बना रहा। गौरतलब है कि इस पर्व पर सुहागिन महिलाएं निर्जला व्रत रखकर पूजा पाठ करती हैं तथा शाम को श्रृंगार कर चलनी से पति का दीदार कर चंद्रमा को अर्घ देती हैं। जिले में अन्य व्रतों की तरह करवा चौथ व्रत का सिलसिला भी तेजी से बढ़ रहा है। हर वर्ष उत्साह के बीच व्रत रखने वाली महिलाओं की संख्या में वृद्धि हो रही है। पंडित रविंद्रनाथ तिवारी ने बताया कि कार्तिक मास में चतुर्थी तिथि को पड़ने वाले पर्व को करवा चौथ कहते हैं। इसका व्रत महापुण्यदायक होता है। इस व्रत को करने से महिलाओं के पति की आयु जहां लंबी होती है, वहीं उसे सुख समृद्धि भी मिलती है। पांडवों की रक्षा के लिए इस व्रत को द्रौपदी ने भी रखा था। चंद्रमा निकलने के साथ ही चलनी में पति का दर्शन किया जाता है। बाद में पति के हाथ से ही खाकर व्रत का पारण किया जाता है। जन समस्याओं के त्वरित निस्तारण के लिए संपूर्ण समाधान दिवस तहसील सदर के राइफल क्लब सभागार में जिलाधिकारी एमपी सिंह अध्यक्षता में संपन्न हुआ। इस मौके पर 140 आवेदन प्राप्त हुए, इसमें से 6 का मौके पर ही निस्तारण किया गया। जन समस्याओं के त्वरित निस्तारण के लिए 7 तहसीलों की सूचना के अनुसार संपूर्ण समाधान दिवस में कुल 725 आवेदन प्राप्त हुए, जिसमें मौके पर 34 आवेदन पत्रों का निस्तारण किया गया। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर ओम प्रकाश सिंह, मुख्य विकास अधिकारी श्री प्रकाश गुप्ता, उप जिलाधिकारी सदर प्रभाष कुमार, एसपी सिटी गोपीनाथ सोनी, क्षेत्राधिकारी सदर ओजस्वी चावला, तहसीलदार सदर एवं अन्य जनपद स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे। महिला सशक्तिकरण के तहत जमानिया स्टेशन बाजार में स्थित हिंदू स्नातकोत्तर महाविद्यालय में मंगलवार एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। संगोष्ठी कक्ष में आयोजित कार्यक्रम में महिला सशक्तिकरण के संबंध में जागरूक किया गया। इस मौके पर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण अनिल कुमार झा ने नारी सम्मान एवं सुरक्षा के लिए प्रदेश सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं की विस्तृत जानकारी देते हुए छात्राओं से अपने ऊपर होने वाले अत्याचार को न छिपाने का आग्रह भी किया। महिला थाना प्रभारी ममता और कोतवाल राजीव कुमार सिंह ने थाने में बने महिला हेल्प डेस्क और प्रदेश सरकार की महिलाओं के प्रति संजीदगी पर विस्तार से चर्चा करते हुए महिलाओं से जुल्म सहन न करने और आगे आने की अपील की। इस अवसर पर राघवेंद्र ने उपस्थित छात्राओं को हेलमेट एवं 5,00,000 रुपए का निःशुल्क बीमा उपलब्ध कराया। कार्यक्रम में महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर शरद कुमार, राष्ट्रीय सेवा योजना के वरिष्ठ कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर अखिलेश कुमार शास्त्री, वरिष्ठ उप निरीक्षक मंशा राम गुप्ता, उप निरीक्षक संतोष कुमार, उप निरीक्षक विनय सिंह, चौकी इंचार्ज रेलवे स्टेशन आदि उपस्थित रहे। यातायात माह के तहत शहर के साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता अभियान चलाकर लोगों को यातायात के प्रति जागरूक किया जा रहा है। इसी क्रम में मंगलवार को नौनहरा थाना प्रभारी निरीक्षक शैलेंद्र प्रताप सिंह के साथ यातायात प्रभारी प्रवीण यादव ने अटवा मोड़ पर चेकिंग के साथ ही जागरूकता अभियान चलाया। इस दौरान बाइक के साथ ही छोटे चारपहिया बड़े वाहन चालकों को यातायात के प्रति जागरूक किया गया। थाना प्रभारी निरीक्षक के साथ ही यातायात प्रभारी ने लोगों को पैम्फलेट देकर यातायात नियमों से अवगत कराया। अधिकारी द्वय ने लोगों से अपील की कि सुरक्षा की दृष्टि के बिना हेलमेट के बाइक न चलाएं। किसी भी हाल में बाइक पर 3 सवारी न चलें। चारपहिया वाहन चालक सीट बेल्ट का प्रयोग अवश्य करें। यातायात प्रभारी श्री यादव ने बताया कि वाहन चेकिंग में विभिन्न अनियमितताओं में 235 वाहनों का चालान किया गया है। इसके साथ ही 8,000 रुपए जुर्माना जमा कराया गया है। बताया कि यातायात माह में यातायात के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए पैम्फलेट का वितरण करने के साथ ही वाहन पर यातायात नियम लिखे होर्डिंग और लाउडस्पीकर के माध्यम से यातायात नियमों की जानकारी देकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। मंदिर की जमीन में सार्वजनिक शौचालय व पंचायत भवन का निर्माण कराए जाने के विरोध में मंगलवार को नसीरपुर गंधपा ग्राम पंचायत के लोगों ने पुजारी फलहारी महाराज के नेतृत्व में मोहम्मदाबाद तहसील परिसर में धरना दिया। लोगों ने उप जिलाधिकारी को पत्र दिया, कहा कि नसीरपुर गंधवा गांव में तालाब के किनारे आराजी नंबर 24 में शिव मंदिर स्थित है, जहां गांव के लोग प्रतिदिन पूजन अर्चन करते हैं। मंदिर व सड़क के बीच लगभग 1 बिस्वा तिकोनी जमीन है, जिसमें ग्राम प्रधान सार्वजनिक शौचालय व पंचायत भवन का निर्माण करा रहे हैं। इस जमीन के अलावा मंदिर के पास कोई खाली जमीन नहीं है, जिसमें कोई धार्मिक आयोजन किया जा सके, इसलिए गांव के किसी अन्य भूमि पर शौचालय व पंचायत भवन का निर्माण कराया जाए। धरना देने वालों में मंदिर के पुजारी फलहारी महाराज, विजय शंकर सिंह यादव, संजय सिंह यादव, आलोक कुमार, अरविंद कुमार, मार्कंडे यादव, रविंदर यादव, अवधेश यादव आदि शामिल रहे।
गाजीपुर की ऐसी और भी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।